सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, हर फोन के प्रोज रहते हैं, हर फोन के कॉन्स रहते हैं, भले ही वो आईफोन XS मैक्स हो, नोट 9 हो या फिर हो गूगल पिक्सल 3 XL। तो वैसे ही ओप्पो ने भी आज अपना एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ओप्पो A7। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये फोन के कॉन्स बताने वाला हूँ और क्यों आपको ये फोन से बच के रहना चाहिए, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई भी ब्रांड से दुश्मनी नहीं है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि भाई मैं ऑलमोस्ट हर फोन की ये वीडियो बनाता हूँ। अब क्यों बनाता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी फोन लॉन्च होता है ना, आपको प्रोज यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, एड्स देखने को मिल जाएंगे, दुकान से खरीदने जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन भाई, कमी क्या मिल रही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो कौन बताएगा? तो वो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं ऑनेस्टली, और अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ओप्पो के फ़ैन होंगे या जो भी है, तो भाई मैं जो लॉजिकली जो बात है ना वो शेयर करने वाला हूं। मैं कोई किसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले कौन से जो कि आपको ओप्पो A7 में देखने को मिलता है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब आप बोलोगे भाई दिखने में तो ये फ़ोन कितना बढ़िया सी है, ग्लॉसी टाइप का, एकदम चमचमाता हुआ है। बट मैं आपको बता देता हूँ, हाँ चमकता ज़रूर है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो नहीं आपको मेटल मिलती है, नहीं आपको ग्लास मिलती है, पूरा का पूरा फ़ोन जो है वो आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट का। तो बिल्ड क्वालिटी में ओप्पो हमेशा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने मिड रेंज सेगमेंट में, यहाँ पर भी ओप्पो ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। सेकेंड कौन की बात कर लेते हैं, तो वो ये फोन का डिस्प्ले। अगेन आप बोलोगे कि भाई डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया, इतना बढ़िया सी है, कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको बोलूँगा हाँ, अच्छी बात है कि वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलता है। बट रेजोल्यूशन भी देख लो भाई, यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सिर्फ HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। PPI की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 271 का PPI देखने को मिलता है, जो कि 300 से भी कम PPI है। तो भाई अगर आप इस पर गेम खेलोगे ना कभी, या आप कोई भी वीडियोस देख रहे हो, इतना मज़ा नहीं आएगा, आपका शार्प एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पिक्सेलेशन, बारीक बारीक डॉट देखने को मिल जाएंगे गेमिंग करते टाइम भी, डेफिनेटली आप नोटिस करोगे। और कर रहे हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो डिस्प्ले भी ये फ़ोन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्राइस पॉइंट को अगर देखा जाए, 17,000 में इंडिया में लॉन्च हुआ है, 17,000 में HD डिस्प्ले कौन देता है भाई? आज की तारीख में कोई भी लेना पसंद नहीं करता है। 10,000 में हमें फुल HD डिस्प्ले मिलता है, तो HD डिस्प्ले हम 17,000 क्यों पे करेंगे सिर्फ वाटर ड्रॉप नॉइज डिस्प्ले के लिए। थर्ड कौन की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पर ये फ़ोन का है परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 450, और 450 आप सभी को पता है 9,000 में ऑलमोस्ट हमें 9 से 10,000 की रेंज में देखने को मिल जाता है। बट ओप्पो यहाँ पर चार्ज कर रहा है 17,000 रुपये यहाँ पर स्नैपड्रैगन 450 के लिए। 450 क्या बुरा प्रोसेसर है? बुरा बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छा स्टेबल चिपसेट है। लेकिन 9 से 10,000 में मिले तो ठीक है, बाकी 17,000 में 450 लोगे बिल्कुल भी यहाँ पर वर्थ नहीं है। ओवर प्राइस यहाँ पर ओप्पो चार्ज कर रहा है। और 450 की बात करें, तो यहाँ पर आपको एड्रीनो का 506 का GPU देखने को मिलता है, गेमिंग बिल्कुल भी आप बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे, काफ़ी लो सेटिंग्स में खेलना पड़ेगा, उसमें भी कभी कभार आपको हिकअप फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। तो 17,000 में यार आपको स्नैपड्रैगन 660 वगैरह मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर ओप्पो हमें प्रोवाइड कर रहा है स्नैपड्रैगन का 450, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। फोर्थ कौन की बात कर लेते हैं, तो वो है यहाँ पर ये फ़ोन का स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डना आप सभी को पसंद है, मुझे पता है, वीडियो अगर स्टेबल आती तो कितना अच्छा लगता है यार, क्या मस्त यहाँ पर वीडियो निकल के आई है। बट यहाँ पर आपको कोई भी EIS वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो जो आपकी जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी शेकी रहेगी, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। फिफ्थ कौन की बात करते हैं, तो अगेन ये कैमरे की रिगार्डिंग है, यहाँ पर आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे भाई ये प्राइस पॉइंट पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कौन देता है? भाई मोटो वन पावर देता है, Asus Zenfone Max Pro M1 में देखने को मिलता है, Realme 2 Pro में हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी फोन्स में आपको देखने को मिलता है जो कि 15-14,000 की रेंज में आता है। तो भाई ओप्पो का ये मैक्स 1080p तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ना ही स्टेबलाइजेशन है, ना ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। सिक्स कौन की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पर ये फ़ोन का फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर आपको बैटरी तो 4230 mAh की तो देखने को मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बैटरी कम से कम यहाँ पर 2.5 से 3 घंटा यहाँ पर फुल्ली चार्ज होने में लेगी। और 17,000 में आप बोलोगे भाई फास्ट चार्जिंग कौन देता है? भाई बहुत सारे ब्रांड्स हैं, गूगल पर सर्च करना आपको मिल जाएगा।
सेवेंथ कॉन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको 2019 आने वाला है और यहाँ पर ओप्पो हमें माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दे रहा है। भाई टाइप सी आज की तारीख में तो देना ही चाहिए, बट ओप्पो यहाँ पर क्यों नहीं प्रोवाइड करा मुझे पता नहीं। हाँ वैसे भी ओप्पो F9 प्रो में भी माइक्रो यूएसबी मिल रहा था, तो भाई यहाँ पर टाइप सी दे देंगे तो भाई वो फ़ोन कौन लेगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल रहा है जबकि आपको यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलना चाहिए था। एट और सबसे मेन रीज़न की बात करते हैं कि क्यों ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए, तो वो है इसकी प्राइस पॉइंट। देखो स्पेसिफिकेशन यार स्नैपड्रैगन 450 है, प्लास्टिक की बॉडी है, डिस्प्ले भी HD है, कैमरा भी इतना कुछ खास नहीं है, ना ही स्टेबलाइजेशन है, ना 4K रिकॉर्डिंग है, ना रेयर कैमरा में इतना दम है, ना ही फास्ट चार्जिंग है, ना ही टाइप सी है। और प्राइस पॉइंट यार ये फ़ोन की कितना रहना चाहिए था, 10,000, चलो ऑफलाइन में बिकता है तो 12,000, बट यहाँ पर ओप्पो इसे सेल कर रहा है 17,000 की प्राइस पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए? देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले सकते हो, बट मेरी ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर ये फ़ोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो 17,000 वेस्ट मत करना, मार्केट में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और भी यहाँ पर एक महीने के अंदर ही काफ़ी फ़ोन आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। तो भाई 17,000 अपने बचा लेना, ये फ़ोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो आपकी कम मिल रही है जितना आप पैसा यहाँ पर पे कर रहे हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, क्या आप अभी भी ओप्पो A7 यहाँ पर परचेज करोगे? करोगे तो भाई बताना नीचे कमेंट्स में। और जो लोग भी यहाँ पर ओप्पो A7 खरीदने जा रहे हैं उन लोगों के साथ में ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि भाई यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या ब्रांड हमें क्या दे रहा है। सिर्फ डिज़ाइन से यार मतलब नहीं होता है, पूरा एक हार्डवेयर आपको मिलना चाहिए जब जाके एक फ़ोन यहाँ पर अच्छा बनता है। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।